सो यू सी अनदर टॉपिक सस्पेंशन ठीक है सोल्यूशन का काम तो हो गया ख़त्म अभी सस्पेंशन के ये बहुत सिंपल चीज़ है सबसे पहले ये हाइड्रोजेनियस मिक्सचर है एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल आप पानी लीजिए पानी में आप सेंड को डाल दीजिए हम लोग का भाषा में सेंड को बालू कहते हैं और हिंदी में प्योर हिंदी में कहते हैं उसको रेत ठीक है आप लोग मालूम है क्या चीज़ है सेंड सेंड को वाटर में डाल दीजिए जो जैसा दिखाई देता है वही है आपका सस्पेंशन पूरा क्लियरली दिखाई देता है सैंड काम है आपको पानी काम है सेपरेट बाउंड्रीज है ईजिली इसको सेपरेट कर सकता है दैट इज़ ए सस्पेंशन ऐसा होता है और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं चॉक पाउडर को पानी में डाल दीजिए थोड़ा देर के लिए पानी पूरा वाइट हो जाएगा उसके बाद फिर से चौक पाउडर नीचे में पानी ऊपर में सस्पेंशन ठीक है तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर सबसे पहले हाइट्रोजीनियस मतलब रैंडमली थोरोली आपस में मिक्स नहीं होता है जैसे कि सोल्यूशन में तो पूरा थोरोली रैंडमली मिक्स होता था क्लियर बाउंड्रीज नहीं था पार्टिकल को आप अपना आंख से देख सकते हैं कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है डायरेक्ट दिखाई देता है सैंड वगैरह को चौक वगैरह को दिखाई नहीं देता है कि पानी में डलने से आराम से देता है इसके बाद इट पार्टिकल्स स्केटर ए बीम ऑफ लाइट इसका जो पार्टिकल्स है वो ला, लाइट का जो रे है ना उसको स्केटर्ड कर सकते हैं फिर से टिंडल इफेक्ट लिखा है हमने इसको अब आज तक तो बताया गया ये क्या चीज़ है तो इतना याद रखो इट पार्टिकल्स स्केटर्ड ए बीम ऑफ लाइट लाइट का जो बीम है उसको स्केटर कर देता है ठीक है और लास्ट में लिखा है इट इज़ अनस्टेबल अनस्टेबल मतलब इसमें थोड़ा अलग टाइप का अनस्टेबल का बात कर रहा है अभी जैसे कि पानी और हम लोग सेंड को डाल के पूरा हिला देगा हिला हिला जब इसको हिलाएगा तो पूरा लगेगा कि सेंड जो है पानी में पूरा मिला हुआ है लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाएगा सेंड का जितना पार्टिकल्स था जितना सेंड था सब का सब नीचे में सेटल हो जाएगा और पानी ऊपर में तो इसमें क्या हुआ इसमें आपका दोनों चीज़ अलग अलग हो गया ना ऐसा वाला चीज़ को अनस्टेबल कहता है इन दिस केस सोल्यूशन में क्या होता था सोल्यूशन में दो चीज़ जैसे कि नमक और पानी को हम लोग मिला दिया नमक और पानी मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ में पूरा इस तरह से ज्वाइन हो गया इस तरह से एक दूसरे के साथ में डिजोल्व हो गया कि उसको अनडिस्टर्ब ऐसे रख देने से भी नमक नीचे में सेटल नहीं होता है ऊपर में पानी नहीं रहता है ऐसा बोल के तो नहीं सब आपस में मिक्स ही रहता है चाहे तुम दो दिन रखो तीन दिन रखो जैसा भी रखो तो उन इन दैट केस उसको क्या बोलते हैं द सोल्यूशन इज स्टेबल मतलब उसमें कोई सेपरेशन नहीं हुआ इसमें सेपरेट होगी इसलिए अनस्टेबल ठीक है तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं है टिंडल इफेक्ट क्या बता दे रहा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली ना ये छोटा क्लास में ही होता है ये फिर भी बहुत लोग इसको स्किप कर देता है तो हम बता दे रहे देखो सपोज ये आपका एक गिलास पानी है ठीक है ये ये जो है ग्लास है ये आपका कांच से बना हुआ है जो ग्लास मटेरियल है ना स्टील का नहीं गिलास ठीक है इधर में आप चौक का या फिर सैंड चौक सब समझ समझ लो सी एच ए चौक पाउडर चौक पाउडर डाल दिया इधर में डाल के इसको पूरा हिला देगा हिलाने से क्या होगा चौक पाउडर पूरा इसका चारों तरफ में फैल जाएगा तो ठीक है इस समय में क्या करना है इधर में एक टॉर्च का मदद से इधर में लाइट मारना है ऐसा बीम ऑफ लाइट देना है ठीक है तो बीम ऑफ लाइट इधर में जब आया तो क्या हुआ ये लाइट सीधा का सीधा ऐसा पार हो जाना चाहिए था ठीक है नहीं क्योंकि ये ग्लास का है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में तो सीधा का सीधा पार हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं होगा इन दिस केस क्यों नहीं होगा बिकॉज जो चौक पाउडर है चौक पाउडर का जो पार्टिकल्स लोग हैं ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा है बड़ा बड़ा होने का वजह से क्या हुआ ये जो लाइट इधर में ये पानी का गिलास में जो घुस रहा है वो पूरा लाइट को जो है पानी में रिफ्लेक्ट जहाँ तहाँ में रिफ्लेक्ट करा देगा और ये पूरा पानी जो एकदम वाइट दिखाई देगा ठीक है दिस फेनोविनन ये अभी जो लाइट इधर में आके इधर में स्केटर्ड हो गया ना फट गया लाइट पूरा जहाँ तक जहाँ तक में स्केटर्ड हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दिस स्केटरिंग ऑफ लाइट इज known as द टिंडल इफेक्ट हम लोग अंधेरा रूम में बम्बू घर में अगर अंधेरा रूम में बैठा हुआ रहेगा और अगर कोई एक कोना से छोटा सा एक लाइट का रहे हैं। जैसे कि सन लाइट आता है तो बहुत लोगों ने देखा ही होगा धूप देने वाला दिन में अंधेरा रूम में से बैठा हुआ रहो आ, कोई बम्बू का घर वगैरह में तो कहीं से अगर कोना से लाइट आ रहा है तो उस लाइट को ध्यान से देखने से उस लाइट के ऊपर में छोटा छोटा कुछ कुछ पार्टिकल्स है सब उड़ के दिखाई देता है लेकिन इसे नॉर्मल केस में हम लोग को कभी भी दिखाई नहीं देते हैं वो पार्टिकल्स क्यों दिखाई देता है बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट मतलब जो लाइट का बीम आ रहा है वो छोटा सा एक छेद से तो वो लाइट को क्या करता है इधर उधर स्केटर्ड कर देता है पार्टिकल्स लोग और डार्क बैकग्राउंड रूम तो डार्क होता है डार्क होने का वजह से वो पार्टिकल्स लोग को हम आराम से देख सकते हैं एक्चुअली वो पार्टिकल्स लोग को हम लोग नहीं देख रहे उसका लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है हम लोग उसको देखते हैं उसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट ये जो फॉग होता है फॉग फ़ॉग में पूरा सफ़ेद सफ़ेद बोगा बोगा दिखाई देता है चारों तरफ में क्यों होता है वो लाइट को क्या करता है वाटर मॉलिकूल को तो पूरा स्केटर्ड कर देता है चारों तरफ में उसका वजह से हम लोग को पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई देता वो है वो फॉग भी एक आपका टिंडल इफेक्ट ही है ठीक है तो टिंडल इफेक्ट ऐसा वाला को बोलता है तो सस्पेंसन जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है लेकिन सोल्यूशन में आपको ऐसा कोई टिंडल इफेक्ट इफेक्ट दिखाई नहीं देगा सोलूशन इज़ वेरी स्टेबल ठीक है नाउ वी वेयर मूव टुवर्ड्स द कोलॉडल सोल्यूशन अभी कोलाइयल सोल्यूशन की तरफ जाएगा अभी ये क्या चीज़ है इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कॉलोडल सोल्यूशन सो so यू सी दूसरा एक चीज़ है कॉलोडल सोल्यूशन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला है इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ना तो पूरा प्योरली सोल्यूशन है और ना ही प्योरली सस्पेंशन है इसका बीच वाला है इसमें लिखा है देखो एक कोलोइड कोलोइड भी कहता है और ए कोलोइडल सोल्यूशन इज ए मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेट्रोजनियस है असल में हेट्रोजेनियस है होमोजेनियस तो नहीं है बट एपियर्स टू बी होमोजेनियस लेकिन होमोजेनियस का जैसे बिहेव करता है बोलते हैं ना आदमी लोग मतलब होता कुछ और है लेकिन दिखाता कुछ और है उस टाइप का चीज़ है ये ठीक है तो ये मतलब चीज़ तो ठीक नहीं है जो भी हो उसमें एग्ज़ाम्पल मिल्क आ गया मिल्क का कलर किया वाइट है ना और मिल्क को हम लोग ऐसे रख देने से भी उसका नीचे में कभी वाइट वाला सेटल तो नहीं होता है तो लेकिन ये सोल्यूशन तो नहीं है क्यों क्यों सोल्यूशन नहीं इसका प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देने से मालूम चल जाएगा सेविंग क्रीम है चीज़ है माथा में जो लगाता है जेल लगाता है इसके लड़का लोग बहुत जेल वगैरह जितना है ना सब तुम्हारा कॉलॉड है टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करते हैं सब कॉलोइड है तो देखो हम सोल्यूशन का समय में बोला था सोल्यूशन मतलब सिर्फ लिक्विड सोचने से नहीं होगा सॉलिड वाला सोल्यूशन भी होता है उसी टाइप से जो कॉलॉयड है वह सॉलिड भी है सेमी सॉलिड भी है उसका लिक्विड भी है ऐसा हर तरह का आपको कॉलॉयड मिलेगा ठीक है तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोटिस करना है कि कोलोइड इज ए मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस बट एपियर्स टू बी होमोजेनियस होमोजेनियस का जैसे एपियर करते हैं ठीक है इसका प्रॉपर्टीज देख लेता है अभी प्रॉपर्टीज क्या है तो देखो आप लोग इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है <coughs> जो कि आधा आपका सोलूशन से मिलता है आधा सस्पेंशन से मिलता है सबसे पहले ए कोलॉयड इज ए हेट्रोजीनियस सस्पेंशन से मिलता है द पार्टिकुलर स्मॉल दस कैनॉट बी सीन बाय नेकेड नेकेडाइज बहुत छोटा है उसका पार्टिकल्स आँख से देखने नहीं सकेगा फिर आपका सोल्यूशन से मिल गया एक कोलोइड शो टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट शो करता है मतलब इतना भी छोटा नहीं है पार्टिकल कि टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा टिंडल इफेक्ट शो करता है दैट मीन्स फिर से एक सस्पेंशन जैसा हो गया ए कोलोइड इज ए क्वाइट स्टेबल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब अगर कोलोइड को रख देगा तो उसका पार्टिकल्स नीचे में सेटल नहीं हो जाएगा फिर से आपका सोल्यूशन जैसा हो गया और लास्ट में इट इट्स पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर फ़िल्टर से अगर उसको हम फिल्टर करेगा सोचने से भी नहीं होगा वो फ़िल्टर पेपर से भी पास होकर चला जाता इतना है इतना छोटा पार्टिकल है मिल्क को हम फिल्टर पेपर में डालने से मिल्क नीचे में जो गिरेगा वो मिल्क ही रहेगा कभी सफ़ेद ऐसे जनरल वाटर जैसा नहीं गिरेगा ठीक है तो देखो दोनों चीज़ का प्रॉपर्टी इसमें घुसा हुआ है मतलब पार्टिकल्स का साइज़ इतना भी बड़ा नहीं है कि वो सस्पेंसन हो जाएगा और इतना ज़्यादा भी छोटा नहीं है कि वो सोल्यूशन हो जाएगा बीच में फंस गया ये और इसी चीज़ का वजह से बीच में फंसने का वजह से हम लोग का अर्थ में या फिर हम लोग का डे टू डे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा हम लोग चीज़ देखता है वो कॉलॉइड ही होता है ना तो सोल्यूशन होता है ना तो सस्पेंसन होता है सबसे ज़्यादा होता है सोल्यूश कोलॉयड्स टूथपेस्ट से लेकर के शेविंग क्रीम से लेकर के मिल्क से लेकर के बहुत सारा है सबका सब आपका क्या हो गया कोलॉयडल सोल्यूशन तो कुछ कॉलोडल सोल्यूशन जैसे ऐसा होता है जैसे कि आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट तो उसमें होगा ही है तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट ऐसा भी हो सकता है मतलब सॉलिड लिक्विड हमें एक चार्ट बना देगा उस चार्ट को देखने से आप लोग को मालूम चल जाएगा कि कौन क्या चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन नाउ यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स ध्यान से देखना है कोलाइड जो ये है फॉर्म जेल इमल्शन एरोसोल उसमें क्या क्या डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन फेज एन एग्जाम्पल तो डिस्पर्सड फेज क्या क्या है आपका गैस फॉर्म के लिए हो गया गैस डिस्पर्सन फेज क्या हो गया लिक्विड एग्जाम्पल हो गया सेविंग क्रीम अभी बहुत लोग का दिमाग में एक बात चल रहा है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन फेज क्या होता है वाट इज दिस ठीक है तो इसके बारे में अभी बताएगा रुको तो देखो कॉलोइड <coughs> में यह जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन फेज क्या होता है सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता था सेम टू सेम वैसा ही कोलोइड में ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है ये सब सॉल्यूट्स है और ये जो चीज़ है ये सॉल्वेंट है हो गया मतलब जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर में डिजोल्व है लेकिन कॉलोइड होने की वजह से उसको हम लोग सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं बोलते उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्पर्सड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम लेकिन काम सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसा ही करता है तो देखो ये गैस जो है लिक्विड के अंदर घुस गया फॉर्म में जेल में क्या हुआ लिक्विड सॉलिड के अंदर घुस गया जेल इमल्शन में लिक्विड लिक्विड के अंदर घुस गया एरोसोल लिक्विड गैस एग्जाम्पल फॉक क्लाउड मिस्ट ये सब है तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोइ्स यू कैन फाइंड इन योर बुक ऑल्सो आपका किताब में भी है सब अच्छे से देख सकता है लेकिन इसमें ये जो है एक सिंगल सिंगल टाइप है जैसे कि फॉर्म फॉर्म के अंदर में सिर्फ शेविंग क्रीम नहीं बहुत सारा होगा जैसे कि जेल जेल हम लोग सोचते हैं कि जो माथा में लगाते है वही जेल है ऐसा नहीं है कितना जेल है पाओ में दर्द होने से ओमनी जेल लगाते है वो भी एक जेल है तो ठीक है जेल मतलब देखो खाने वाला जेली भी हो सकता है बटर भी है चीज़ भी है सब जेल है सब ठीक है तो एरोसोल मतलब वो घर में जो बेगॉन स्प्रे लगाता है वो वाला सिर्फ एरोसोल नहीं है जो मच्छर भगाने के लिए एरोसोल बहुत टाइप टाइप का होता है जैसे कि फॉग है क्लाउड है मिस्ट है तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका कॉलोइ्स है ओके ठीक है